उम्मीद हूँ हम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे अपने 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 घरों में खैबराबाद होंगे सुबह मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें मैंने दिखाया कि मैं यहाँ पर चिकन क्लीन कर रही थी तो चिकन क्लीन करके मेरा हो चुका है तो अभी मैं इसको मैरिनेट करूंगी तो दही मैंने इस तरह से एक पोटली बनाकर हैंग किया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए तो पानी जो अच्छी तरह से निकल गया इस तरह से हमें थिक कर्ड मिल जाता है फिर तो इसको इस तरह एक मरतबा मैं इस तरह से चला लेती हूँ फिर मैं इसमें जो है अपने पाउडर मसाले शामिल करेंगे जिसमें सबसे पहले है अदरक लहसन का पेस्ट धनिया पाउडर जीरा पाउडर काली मिर्च लाल मिर्च पाउडर उसके अलावा चिक्का मसाला है और फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे फिर हम इसमें एक नींबू का रस निचोड़ेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैं इनको कट लगाऊंगी एक मरतबा तो सुबह सुबह ही मैंने इनको मैरिनेट करके रखा था जैसे कि मेरी मेड आके गई उसके बाद मैंने घर साफ़ किया फिर मैं किचन में आ गई तो सबसे पहले मैंने इसको मैरिनेट किया था फिर और यहाँ पर ये अच्छी तरह से मैंने इनमें कट लगा लिए हैं और ये अभी हम इस मसाले में डालेंगे उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी अपने हाथों की मदद से तो मिक्स करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखूंगी और उसके बाद मैं शाम में इसको बनाऊँगी फिर तो इसको मैं मैरिनेट करके रख दूंगी फिर मैं आ गई हूँ शाम में किचन में तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टिक्का बनाने की तैयारी कर रही हूँ चिकन टिक्का तो चिकन टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे जिसमें धनिया पाउडर जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर है उसके अलावा थोड़ा सा गर्म मसाला है और उसके अलावा है टिक्का मसाला शान का जो टिक्का मसाला होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है और साथ ही मैंने इसमें एक नींबू का रस भी निचोड़ा तो अभी मैं इसको फ़ौरन बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसको मैरिनेट करके रखने के लिए तो यहाँ पर सफ़ेद मिर्चे मैं डालना भूल गई थी तो वो मैंने ऐड कर दिया है अभी मैं यहाँ पर लस्सी बनाने की तैयारी कर रही हूँ तो लस्सी मुझे रमज़ान में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे मैं हमेशा कभी बनाकर पीती भी नहीं हूँ बाकी दिनों में तो यहाँ पर मैंने दही में चीनी डाल कर रख दिया है ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए थोड़ी सी भीग जाए और पीसने में आसानी हो तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए जो है वेज पुलाव बना रही थी वेज मतलब मटर और कॉर्न वाला पुलाव बना रही थी तो तरीका वही है वही बेसिक सा हमेशा जो मैं बनाती हूँ तेल में मैंने खड़े गरम मसाले ऐड किए लौंग दालचीनी इलायची एक तेज पता है आ, उसके अलावा ब्लैक पेपर कॉर्नस थे उसके अलावा मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था फिर मैंने इसमें अदरक लहसन का पेस्ट डालकर थोड़ा सा भून लिया था उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया और पुदीना डालकर उसको भी थोड़ा सा भून लिया फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया टमाटर ऐड करने के बाद हम जो है नमक डालकर इसको थोड़ी देर ढककर छोड़ देंगे ताकि ये जो भी टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ तो टमाटर जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे तो अब हम इसमें अपने पाउडर मसाले शामिल करेंगे जिसमें है लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर और उसके अलावा है गरम मसाला तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को दही में डालकर पीस लिया था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है अभी मैं इसको थोड़ा सा पकाऊँगी और उसके बाद ये जो कॉर्न और मटर है वो मैं इसमें डालूँगी और इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी और उसके बाद हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन दो गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी इसके बाद इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी तो जब इसमें उबाल आ जाएगा तो यहाँ पर मैंने खानम को बुला लिया था ताकि थोड़ी मेरी हेल्प करें तो चावल उसमें डाल के मैंने छोड़ दिया है फिर दो तीन सीटी लगेंगे उसके भी फिलहाल तो दो तीन सीटी के बाद हम उसको बंद कर देंगे तो यहाँ पर तैयारी चल रही है पिन विल पिज़्ज़ा बनाने की तो, तो पिन विल पिज़्ज़ा की जो इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर मैंने लिख कर लगा दिया है तो आप देख लें तो इस तरह से मैं इसको गूँगी थोड़ा सा हमें इसको सॉफ्ट ही गूंढना होता है बिल्कुल भी हार्ड गुनना नहीं होता है तो तकरीबन दस से पंद्रह मिनट मैं इसको इस तरह से गूँगी जब इस तरह से अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसको जो है तेल लगाकर इस बाउल में रखेंगे राइस होने के लिए तो यहाँ पर मैंने उसको रख दिया है फिर और फिर मैंने आटे को ढककर छोड़ दिया है तकरीबन पंद्रह मिनट के लिए हम उसको ढककर छोड़ देंगे तो ये जो अभी मैं चिकन तैयार कर रही हूँ ये पिन विल पिज्जा के लिए ही मैं चिकन तैयार कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया था तो उसमें मैंने थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया है और ये चिकन ऐड करके हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद मैंने इसका प्लेट हटा दिया है और प्लेट हटाने के बाद मैं इसको वैसे ही खुले में पकाऊंगी क्योंकि चिकन तो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका था तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं जिसमें है प्याज़ आलू और टमाटर है एक और जितनी भी शिमला मिर्चें थी मेरे पास वो मैंने सब ऐड कर दिए लाल पीली और हरी और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लाल मिर्च पाउडर और उसके अलावा चिली फ्लेक्स और मैं इसमें थोड़ा सा तेल भी ऐड करूँगी और इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और चिकन को चूंकि मैं अवन में बनाने वाली थी तो यहाँ पर मैंने अवन का ट्रे लिया उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है तो ये जो पार्चमेंट पेपर है इस तरह से मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगी तेल लगाने से अच्छी तरह से चिपक जाता है तो फ्रिज से मैंने इसको निकाल लिया था तो यहाँ पर अभी हम इसको इस तरह से रखते जाएंगे और ये जो सब्ज़ियाँ हमने तैयार की हैं यहाँ पर एक साइड में मैं इसके लगा दूँगी फिर हम इसको जो है ओवन में रखेंगे तकरीबन फोर्टी मिनट्स के लिए मैंने इसको ओवन में रखा था ओवन में जो दोनों रोड होते हैं उनको मैंने ऑन कर दिया है और प्री हीट होने के लिए मैंने इसको रखा था 15 मिनट्स के लिए तो यहाँ पर पाँच मिनट पेपर को इस तरह से मैंने गीला कर दिया अभी मैं इसको ऊपर से ढकूंगी ताकि चिकन ऊपर से काला जल ना जाए फिर कहीं तो इसीलिए मैंने इसको ढक कर में ढक आ गई हूँ मैं तो यहाँ पर मैंने खानम को कहा था कि शरबत बनाने के लिए तो वो बनाने खड़ी हो गई हैं और नींबू इन्होंने इस तरह से काटा कि इसमें से जो है बिल्कुल ही जूस नहीं निकल रहा था तो आटा जो अच्छी तरह से राइस हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया है तो मैं जो है दो पार्ट करूंगी अभी और उसके बाद हम इसकी जो एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे तो इस तरह से मैंने इसको दो हिस्सों में कट कर लिया है और चूंकि मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था तो मैंने फिर अपना दिमाग चलाया और यहाँ पर ऑरगेनो और जो चिली फ्लेक्स होते हैं उनको मैंने मिक्स करके केचप में इस तरह से इसको जो है थोड़ा सा टच दे दिया है पिज़्ज़ा सॉस का तो ये मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करूँगी और रोटी जो है मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से बेल ली थी ज़्यादा मोटी मोटी नहीं रखनी है हमें तो ये जब स्प्रेड हो जाएगा तो अभी हमने जो चिकन टिक्का बनाया था वो हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से जितना मर्ज़ी आप लगा लें उसके बाद हमने यहाँ पर जो सब्ज़ियाँ कट करके रखी हैं सब्जियों में है, प्याज़ लाल मिर्च सॉरी और क्या कहते हैं कैप्सिकम्स हैं तीन टाइप के तो लाल पीली हरी और शिमला मिर्च जो थी वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिए हैं प्याज भी मैंने डाल दी है तो इस तरह से हम इसको लपेटेंगे गोल गोल करके तो ये जो है अच्छी तरह से लपेट गया था तो मैं इसके किनारे पर जो है वो पहले कट करके निकाल दूंगी क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो मज़ा भी नहीं आएगा खाने में तो फिर यहाँ पर इसको हम धागे की मदद से इस तरह से कट करते जाएंगे ट्विस्ट करके तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये बनकर निकला है तो इसी तरह से मैं सारे के सारे बनाऊंगी और फिर जो है हम इसको जो है अवन के ट्रे में रखते जाएंगे तो ये मैंने बना लिया है और बना के मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा था और बड़ी ही खुशी भी मिल रही थी चीज़ें ट्राई करने के लिए और रमज़ान में मुझे ऐसी चीज़ें ट्राई करने दिल करता है बिल्कुल भी मैं बाकी दिनों में कुछ बनाती नहीं हूँ रोज़ के खाने हमारे चलते रहते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है ट्रे में रखते जाऊँगी मैं बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे मैंने नहीं कट किए थे तो यहाँ पर जब ये कट हो गए थे तो मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा चिकन रखूँगी और थोड़ा उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है मोजरेला चीज़ जो होता है वो मैंने डाल दिया है तो अंदर भी मैंने मोजरेला चीज़ डाला था शायद आपने देखा हो तो बातें जो है थोड़ी बहुत भूल जाते हैं हम लोग कभी कभार तो यहाँ पर ये जो चिकन हो रहा था वो मैं अभी खोल कर देखूँगी क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉप हो गया था तो खानम से मैंने कह दिया था कि आप जो है डाइनिंग टेबल सेट करें तो वो कर रही थी तो देखिए यहाँ पर मैं भी आपको निकाल कर बताऊँगी कि कितना खूबसूरत और कितना ही टेस्टी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ तो इसके सारे के सारे जूसेस निकले हुए हैं और ये जूसेस भी इतने टेस्टी होते हैं तो पेपर मैंने इसके ऊपर से हटा दिया है अब मैं इसको अभी फाइव मिनट्स के लिए रखूँगी उसके बाद मैं इसको पलट कर रखूँगी तो यहाँ पर जो डो बच गया था मैंने उसके जो है छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा बना लिए थे और ये पिज़्ज़ा जो है इतने टेस्टी बने थे तो यहाँ पर मैंने दस मिनट के बाद इसको बाहर निकाल लिया है तो अभी हम इसको पलटेंगे इस तरह से तो पलट कर मैं इसको फिर से रखूँगी पाँच मिनट के लिए तो यहाँ पर पलट दिया है मैंने अभी मैं इसको वापस रखूँगी अवन में ये जो पिन पिनबिल पिज़्ज़ा थे जो मैंने वहाँ पर रखा हुआ तावन में तो वो निकाल कर मैं यहीं लेके आई हूँ क्योंकि वहाँ पर पिज़्ज़ा बन रहे थे तो जगह बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और टाइम भी हो रहा था इफ्तार का तो जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि मैं इसको जो है नीचे की तरफ रख के पकाती हूँ और यहाँ पर बड़े ही मज़े से हमारे पिज़्ज़ा तैयार हो रहे थे मिनी पिज़्ज़ा तो ये था आज का बड़े ही मज़े का हमारा इफ्तार टेबल इफ्तार मेन्यू और ये देखिए कितने खूबसूरती से ये जो सब्जियां थे सब कुछ बनकर तैयार हो चुके हैं तो यहाँ पर मैं इसको प्लेट में लगाऊंगी और फिर हमने जो है अपनी आज की बड़ी ही मज़े की इफ्तार एंजॉय की थी और इस तरह की चीज़ें खाकर रमज़ान में मज़ा ही आ जाता है फिर बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है हालांकि रमजान खाने पीने का महीना नहीं है लेकिन खाने पीने का मजा सबसे ज्यादा रमजान में ही आता है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबके घर में कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर बनता ही है रमजान में तो यहाँ पर लस्सी भी मेरी तैयार हो चुकी है और कस्टर्ड भी हमने तैयार कर लिया था तो सब कुछ अलहमद तैयार हो चुका था तो जैसे इफ्तार ख़त्म हो जाती है सबसे पहले नमाज़ पढ़ने के बाद टेबल क्लीन करते हैं किचन क्लीन करती हूँ उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ चाय पीकर हम जो है थोड़ी देर बातें करते हैं और इफ्तार के बाद चाय पीने का तो अपना ही मज़ा होता है तो ये तो आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा अपनी दुआओं में याद रखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे हर भलाएँ आफतों और मुसीबतों से बचाएँ आमीन सुमीन असलम आईकुम